हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है द टर्म सोशियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, यानी कि सोशियोलॉजी जो है जो लिया गया है लैटिन वर्ड से सोशियो, जिसका मतलब होता है कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी या फिर या एसोसिएट, और ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो पूरा अर्थ हो जाएगा सोशियोलॉजी का स्टडी ऑफ सोसाइटी या फिर साइंस ऑफ सोसाइटी। उसके बाद अगस्त कॉम्टे फ्रेंच फिलोसोफर इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे को बोला जाता है, और ही इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी वॉट इन पॉजिटिव फिलोसफी एट अबाउट 1839। ठीक है, और इसमें लिखा गया कि पॉजिटिव फिलोसफी एक बुक था जिसमें अगस्त कॉम्टे ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद डिफिनेशन की हम बात कर लेंगे आगे, डिफिनेशन की हम बात करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेनन सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस द डिस्कवरी ऑफ विच इन द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा सोशियोलॉजी को डिफाइन किया गया। सोशियोलॉजी मतलब ऐसा साइंस है जिसमें सोशल फेनोमेना के बारे में हम जानते हैं या फिर नेचुरल इनवेरिएबल लॉज के बारे में जानते हैं। जैसे कोई सोसाइटी में रहता है तो उसमें कोई भी आदमी रहेगा तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, कोई ना कोई मतलब सब कोई मतलब आगे निकलना चाहता है, तो उसमें कॉम्पिटिशन होता ही रहता है, होता ही है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है नेचुरल इनवेरिएबल लॉ के बारे में अध्ययन है। आगे बताया गया अकॉर्डिंग टू एम जेंस वर्क सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटरलेशंस। सोशियोलॉजी जो है ह्यूमन इंटर इंटरेक्शन एंड इंटरलेशंस के बारे में बताता है, कैसे मतलब इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे वो अपना बिहेवियर को शो करता है। अकॉर्डिंग टू सोर्किन सोशियोलॉजी इज द जनरलाइज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक ऑफ सोशल सिस्टम, और सोर्किन के द्वारा सोशियोलॉजी को बताया गया कि कैसे मतलब सोसाइटी में लोग रहते हैं, कैसे अपने आप को दिखाते हैं, कैसे कैसे अपना बिहेवियर शो करते हैं दूसरे के प्रति, और किसी कार्य के प्रति कैसे शो करते, कैसे रहते हैं, और कैसे उस इन्वायरमेंट में अपने अपने को जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में अध्ययन होता है। ठीक है, आगे दिया गया ES Bogardus defines sociology as the study of social forces. ES Bogardus ने बताया कि सोशियोलॉजी जो है सोशल प्रोसेस के बारे में स्टडी है। सोशल प्रोसेस मतलब इंटरेक्शन या फिर मतलब ह्यूमन से ह्यूमन एक एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति में इंटरेक्शन होता है, किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, और किस तरह से कोई भी इन्वायरमेंट वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या है, उसके बारे में अध्ययन को सोशल प्रोसेस करते हैं, जो ईस विवादस ने बताया था। द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर इन रिलेशन टू अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद व्हॉम दे इंटरैक्ट। मतलब चिदम्बर ने बताया कि सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है किसी आदमी का बिहेवियर का, जिससे वो इंटरेक्ट करता है, किसी और व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, और वो कैसे इसे इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में एक टोटल स्टडी है, पूरी पूरी स्टडी है, ये बताया गया। चलिए आगे हम स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की हम बात करेंगे। चलिए रूरल सोशियोलॉजी में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्कोप है रूरल सोशल लाइफ। रूरल सोशियोलॉजी का अध्ययन करके रूरल सोशल लाइफ के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, रूरल सोशल लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं, कैसे कैसे गांव में, कैसे विलेज में लोग रहते हैं, कैसे कैसा उनका लाइफ रहता है। रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, जैसे NGOs, FPOs, etc. ठीक है, और आगे हैं रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद हो गया रूरल कम्युनिटी या रूरल प्रोग्राम्स। रूरल मतलब गांव में जो या फिर विलेज में जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसको हम रूरल सोशियोलॉजी के माध्यम से उस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। सोशल चेंज है सोशल कंट्रोल, और सोशल उसमें चेंज ला सकते हैं, सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से कोई गलत हो रहा है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। रूरल सोशल प्रोसेस,
रूरल सोशल जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जान सकते हैं, और कुछ अगर अगर होता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। रिलीजियस या कल्चर 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 के बारे में जान सकते हैं और उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। रूरल प्लानिंग एंड रिकन्स्ट्रक्शन, रूरल प्लानिंग के बारे में जान सकते हैं, रूरल प्लानिंग कर सकते हैं। कोई अगर सही ढंग से नहीं हो रहा जो, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो इसको बारे में अध्ययन कर कर और उसको हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं और सही ढंग से कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, आगे है डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी, और इसके अध्ययन से, रूरल सोसाइटी के अध्ययन से हम जान सकते हैं कि रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में क्या 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 अंतर है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है रूरल सोसाइटी, उसके बाद हम बात करेंगे रूरल सोशोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन इन द मेजोरिटी, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए रूरल सोशल डेवलपमेंट, रूरल सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स ज़्यादा है इसके कारण। कॉम्बैटिंग मेल न्यूट्रेंस एंड रूरल इलेक्ट, और रूरल पीपल में जो लोग रहते हैं न्यूट्रिशन की काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी कम न्यूट्रिशन मिल पाता है और बीमारियाँ ज़्यादा होता है, तो इसको हम सुधार ला सकते हैं पढ़ने के बाद। सोलूशन रूरल प्रॉब्लम, रूरल सोसाइटी में या विलेज में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं तो काम को बहुत कम ही मिल पाता है, बहुत लोग बेरोजगार रहते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करके उस जो प्रॉब्लम उसको हम समाधान कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, इन रिलेशन टू बिटवीन टू ब्रांचेज आर प्रेजेंट फॉर रेडी मनोहरन एंड और रंगशलम, ये जो दिया था सिग्निफिकेंस रूरल सोशोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका नाम था रेडी मनोहरम जो 1987 में और अरुणाचलम 2003 में दिया था। अब हम रूरल रूरल सोशोलॉजी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बीच में हम अंतर जानेंगे। सबसे पहले हम जान लें रूरल सोशोलॉजी जो है रूरल सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं उस फील्ड में, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में उस रूरल सोशोलॉजी के एक्सटेंशन जो किए उसको हम किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर फार्मर को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, रूरल सोसाइटी में जो लोग होते हैं उसे किस तरह से बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, किस तरह से उसे सुधार ला सकते हैं, किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उसके बारे में हम रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में स्टडी करते हैं। चलिए अब आगे हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं और आपको बताते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज द रूरल सोशोलॉजी में क्या हुआ, द सब्जेक्ट मैटर इज द स्टडी ऑफ रूरल सोशल लाइफ, मतलब स्टडी होता है रूरल सोशल लाइफ के बारे में, और एक्सटेंशन में इट प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये जो है ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कोई फॉर्मल नहीं, कोई एक तरह से सीरीज में नहीं रहता कि हाँ आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा कोई फॉर्मल आपका सिलेबस नहीं होता है, आपको ये बता रहा है। इट प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द रूरल पीपल फॉर चेंजिंग द बिहेवियर, रूरल पीपल को बिहेवियर को चेंजिंग करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्टडी की जाती है। और दूसरा नंबर पॉइंट है इट स्टडी द एटीट्यूड ऑफ द रूरल पीपल, रूरल सोशोलॉजी में रूरल पीपल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इट सीक्स टू मॉडिफाई और चेंज द बिहेवियर, बिहेवियर को चेंज करने के लिए और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्टडी की जाती है। इट स्टडीज नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ रूरल पीपल, रूरल सोसाइटी क्या जरूरत है और क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। इट हेल्प्स रूरल पीपल टू डिस्कवर देयर अनफेल्ट नीड्स अक्रॉस ऑन इंटरेस्ट एरोज इंटरेस्ट बाय डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करके जो जरूरत है उसको नीड को फुलफिल करना। इट एनालाइजेस रूरल सोसाइटी रूरल सोशल रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स इन रूरल एरियाज, किस तरह से रूरल सोसाइटी में रूरल पीपल का रिलेशनशिप्स हैं, उसका बिहेवियर क्या कैसा है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है और लीडर्स मतलब कैसे रूरल एरिया में रहते हैं, उस सबके बारे में अध्ययन हम रूरल सोशोलॉजी में करते हैं। और एक्सटेंशन में इट डेवलप द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं और लीडर्स बाई इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। इट स्टडीज द सोशल सिचुएशन एंड कलेक्ट सोशल फैक्ट अबाउट रूरल सोसाइटी, सोशल सिचुएशंस के बारे में स्टडी करते हैं और कुछ सोशल फैक्ट को हम स्टोर करते हैं और जानते हैं और समझते हैं। इट यूटिलाइज डाटा, इस ये सब डाटा जो कलेक्ट किए हैं जो हम पढ़े उसको है ना यूटिलाइज करते हैं एक्सटेंशन में फॉर बिल्डिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर द रूरल पीपल्स, रूरल पीपल को के फायदा के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं इस सब डाटे को और उसमें जो प्रॉब्लम होता है उसे सुधार लाते हैं, ठीक है, इसमें सुधार लाते हैं।
इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल पॉलिटिकल कल्चर एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ यूएस सोसाइटी। ठीक है, इट इन्वेस्टिगेट्स द सोशल पॉलिटिकल कल्चर एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ यूएस सोसाइटी। रूरल सोशोलॉजी में है ना, पॉलिटिकल कल्चर्स हो गया, रिलीजियस रिलीजियस प्रॉब्लम कोई भी होगा तो उसके बारे में मदद करते हैं, और इसमें इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम किस तरह से सही करें उसके बारे में हम इस एक्सटेंशन में देखते हैं। ठीक है, इसका की पॉइंट्स क्या हो जाएगा, की पॉइंट्स हो जाएगा कि सोशोलॉजी के क्या क्या की पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सोशोलॉजी हो जाएगा साइंस ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है ना, साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सारी चीज़ हो जाएंगे। मेजर फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा पॉलिटिकल सोशोलॉजी, ये सब सोशोलॉजी का ही पार्ट है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, डेमोग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, सारे सब सोशोलॉजी के पार्ट्स हैं। अब देखिए, अब सोशोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेस हो सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। सोशोलॉजी का पहला ब्रांच हो जाएगा एडुकेशन, एडुकेशन सोशोलॉजी, दूसरा हो जाएगा सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा हो जाएगा सोशोलॉजी ऑफ रिलीजियस रिलीजन, और चौथा हो जाएगा सोशल साइकोलॉजी, पाँचवा हो जाएगा साइकोलॉजी ऑफ नॉलेज, सॉरी सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, और छठा हो जाएगा सोशोलॉजी ऑफ लॉ, सातवा हो जाएगा मेडिकल सोशोलॉजी। ठीक है, रूरल सोशोलॉजिस्ट मतलब जो रूरल सोशोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उसको रूरल सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वो जो रूरल सोशोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है उस पर हम बात करेंगे। तो टेक्निकल या प्रोफेशंस का रोल हो सकता है, ठीक है, और उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि टीचर हो सकते हैं, कोई रूरल सोशोलॉजिस्ट बन गया मतलब पढ़ाने वाले हो गए, किसी को समझा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा, और जो गलत धारणाएँ हैं, जो गलत चीज़ हो रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको जागरूक करना, समझे। तो ये सारी बात हो सकती है टीचर रिसर्चर, टीचर रिसर्चर का ये सारे काम हो सकता है। और रूरल लाइफ एनालिस्ट, रूरल पीपल में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ के बारे में पूरा अध्ययन करना, उनका एनालाइज करना, और क्या 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 वो करते हैं, क्या क्या मतलब बिहेवियर का टोटल स्टडी करना, वो हो जाएगा रूरल साइड एनालिस्ट का काम। ठीक है, उसके बाद एज ए सिटीजन, एज ए सिटीजन के रूप में भी हम देख सकते हैं एक रूरल सोशोलॉजिस्ट का काम क्या काम हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, वो भी हम अपना अपना है ना जो रोल होगा वो निभाना चाहिए एक सिटीजन के रूप में। ठीक है, और लास्ट में रूरल सोशोलॉजी क्या होता है उसके बारे में डिफिनेशन छोटा सा दिया गया, इट इज स्पेशलाइज फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, इट इज अ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इन द रूरल एनवायरमेंट, इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी। रूरल सोशोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है रूरल सोसाइटी के बारे में। तो आज का ये चैप्टर समाप्त होता है, तो आपको मैंने पीछे जो भी बताया, जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, तो आप एक बार शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ ले, कोई भी डाउट होता है तो आप अच्छे से पहले पढ़ ले, अगर फिर भी आपको वो चीज़ नहीं समझ में आता या फिर आपको कोई चीज़ समझ में कोई दिक्कत हुआ, आप समझ नहीं पाए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा। तो मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इजिली, आप जो जो भी मैं अभी पढ़ाया हूँ उसको आप एक बार जरूर देख लें, पीछे करके पूरा अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, अब मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ।